हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इसमें हम इतिहास के कुल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर ही मिल जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इतिहास से संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। इसमें नेट के ओल्ड पेपर, फिर नेट के प्रैक्टिस सेट और UPHSC या LGDC जो भी एग्ज़ाम हैं उनके ओल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट सभी अपलोड हैं, तो वहाँ आप एक बार ज़रूर जाइए और देखिए। तो चलिए आज का हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें सूची को सुमेलित करना है, एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सूरत अधिवेशन 1907, तो ये हुआ था, ये थे रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ 1916, इसके हो जाएंगे AC मजुमदार, मतलब 4 नंबर। कानपुर 1925 का हो जाएगा सरोजनी नायडू, मतलब सी का 2 नंबर। और काकीनाडा 1923 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने हिस्सा लिया था? उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन से थे? तो जो अधिवेशन स्थल था वह था, बी ऑप्शन होगा इसमें, लॉर्ड डफरिन, मुंबई 1885। क्वेश्चन नंबर 3, 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने ए दे रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को नामंजूर कर दिया गया, सही है। फिर बी है, संविधान सभा बनाने की मांग दोहराई गई, सही है। फिर सी है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत होने वाले चुनाव में भाग लेने का फैसला लिया, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन उपयुक्त, तो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मिरात उल अखबार जो है वो हो जाएगा 3 नंबर से। यहाँ पर प्रथम फारसी अखबार था। दिग्दर्शन हो जाएगा 1 नंबर से। प्रथम बंगाली मासिक और जम ए जहान प्रथम हिंदू अखबार। और सोम प्रकाश हो जाएगा राजनीति को समर्पित प्रथम बंगाली अखबार। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो ये कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल। तो इसमें जो आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा है, ये स्कैन साफ नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती जाऊंगी, आप चाहिए तो उसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लीन नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस के अंदर एक दबाव समूह इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग था, उसकी स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना करने वाले थे वो हो जाएंगे 1, जवाहरलाल नेहरू, और 4, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 7, लाहौर का अधिवेशन बुलाया गया यह अधिवेशन बुलाया गया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सरकार ने नेहरू रिपोर्ट मंजूर नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत विभाजन की योजना कब घोषित की गई? तो यह योजना घोषित की गई थी 3 जून 1947 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक
फैसला दिया। तो ये सांप्रदायिक फैसला देने वाले थे रैमजे मैकडॉनल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जे बी कृपलानी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो इस घटना का जो वर्ष था वह था 1914। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम कौन सा दिया गया? तो इस प्रस्ताव का जो दूसरा नाम था वह होगा सी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया? तो यह गान गाया गया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें सूची एक को सूची दो से हमें सम्मिलित करना है। यहाँ ए बी सी डी दिया है और नीचे वर्ष दिए गए हैं, तो चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। सबसे पहले ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये जो हुआ था ये हो जाएगा वन नंबर से यहाँ पर 1924 से। काकोरी षड्यंत्र केस इसका हो जाएगा 1925 यहाँ पर। चटगांव षड्यंत्र केस, चटगांव का हो जाएगा 1931। और मेरठ षड्यंत्र केस ये हो जाएगा 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1927 को भारत सरकार तथा भारतीय राज्यों के बीच के संबंध की जांच के लिए इंडियन स्टेट कमेटी की नियुक्ति हुई, इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था वह था हरकोर्ट बटलर, यानी बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 27 जून 1947 को भारत सरकार ने एक नए स्टेट विभाग का गठन किया, इसका प्रथम सचिव कौन था? तो प्रथम सचिव जो थे वो थे वी पी मैनन, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत का वह अर्थशास्त्री कौन था जिसने भारतीय कृषि व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? इसके आंसर्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये हो जाएगा इसमें ए वाला आर सी दत्त। क्वेश्चन नंबर 18, किसके सुझाव पर 1919 में भारत सरकार एक्ट में पहली बार द्वैत शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया? तो यह शासन का दिया गया था सी होगा, लामोनेश कार्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली? तो ये थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो इस समिति की स्थापना करने वाले थे वरिंद्र घोष, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, बताइए दोनों दलों के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष थे वो थे ए वाला हो जाएगा, ए सी मजुमदार एम जी रनाडे। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है आज। क्वेश्चन नंबर 22, दैवीय संपदा का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो सिद्धांत जुड़ा है वो हो जाएगा सेकंड नंबर, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 23, साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो वो था क्लीमेट एटली। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था एम एन रॉय को। क्वेश्चन नंबर 25, इंडियन विंस फ्रीडम का लेखक कौन है? तो ये है मौलाना आज़ाद, ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26,
कौन सा दिन सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया जब देश भर में हड़ताल हुई? तो यह था 6 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 27, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना हुई थी मई 1920 में। क्वेश्चन नंबर 28, अहार आंदोलन किस ख्याति मुसलमान नेता ने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मौलाना आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेसी बनो का नारा निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया था? तो ये नारा देने वाले थे बदरुद्दीन तैयब जी और राजा शिव प्रसाद, दो लोग होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार के कारण 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 31, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी राजा महेंद्र प्रताप ने। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 33, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस मंच से स्वराज्य की मांग की, बताइए मुस्लिम लीग ने स्वराज्य की मांग किस वर्ष की? तो मुस्लिम लीग ने जो स्वराज की मांग की थी वह की थी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। इसमें देखिए सूची यहाँ पे एक दिया हुआ है, स्क्रीन में दो वाला नहीं दिख रहा है, ये रहा दो। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले है ए, पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ एल, लखनऊ में हुआ था। फिर दूसरा अखिल भारतीय किसान आंदोलन सम्मेलन दिसंबर 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर, इसमें हम एफ लिख देते हैं। इसके बाद तृतीय अखिल भारतीय किसान सम्मेलन मई 1938 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोमिल्ला में, यानी इसमें हम के लिख देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, चौथा अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1939 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। ये यहाँ पर गया दिख रहा है, मैं यहाँ मैच कर लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में 1932 में मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना हुई, इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम किस वर्ष दिया गया? तो इसे नाम दिया गया था 1938 में। क्वेश्चन नंबर 36, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कि मध्यम श्रेणी की भारतीय रियासतों के लिए एक मंच का कार्य करता था, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये स्थापना हुई थी 1921 में, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यद्यपि महात्मा गांधी कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे परंतु परिस्थितिवश उन्होंने इसकी सदस्यता को दो बार त्याग पत्र दिया, वे दो वर्ष कौन थे? तो जो दो वर्ष थे वो था, एक तो हो जाएगा 1925, दूसरा हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है? तो इससे संबंध है लॉर्ड वेवल का। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन का 1931 में अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1901 में।
क्वेश्चन नंबर 41, वांग दरा पुस्तक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ साफ दिख नहीं रहा है, वांग दरा पुस्तक किसने लिखी? तो इसके लेखक थे मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 42, सन 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस कितने प्रांतों में मंत्रिमंडल बना सकी? तो जो मंत्रिमंडल बना था वो था बना था 8। क्वेश्चन नंबर 43, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य निम्न में से कौन थे? तो ये संस्थापक सदस्य जो थे वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय, फिर जोजेफ बैप्टिस्ट और M.N. जोशी, ये तीन लोग होंगे। क्वेश्चन नंबर 44, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 45, यंग इंडिया और हरजन पत्र का किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है? तो ये तो महात्मा गांधी जी का है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में न्यूनतम हिस्सा किसने नहीं लिया? तो रियासतों के राजा हो जाएंगे इसमें, सी ऑप्शन। इसके बाद नीचे कथन और रीज़न वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ कथन दे रहा है, गुप्त उत्तर काल में उत्तर भारत में कायस्थ जाति का विस्तार हुआ, करेक्ट है। फिर कारण दे रहा है कि भूमि अंदानों की संख्या काफ़ी बढ़ गई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा AR दोनों सही है और उसकी व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्तोत्तर काल में शूद्र अधिक किसान थे? एक मिनट फिर से मैं पढ़ देती हूँ, गुप्तोत्तर काल में शूद्र अधिक किसान थे, तो ये बात सही है, ये करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद रीज़न दे रहा है, वैश्यों ने खेती पूरी तरह छोड़ दी, ये गलत होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए करेक्ट और आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, रीज़न दे रहा है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का एक प्रमुख कारण था राजनीतिक रूप से एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना जो उनका मित्र हो, ये गलत है। फिर रीज़न दे रहा है, जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए, ये करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ए इनकरेक्ट और आर करेक्ट, इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कथन है, महलवाड़ी प्रथा वास्तव में रैयतवाड़ी प्रथा का ही एक परिवर्तित रूप था, करेक्ट है। फिर रीजन दे रहा है, इसे पंजाब मद्रास असम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में लागू किया गया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा इसमें ए सही, आर सही और इसकी सही व्याख्या भी दे रहा है। फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान से बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ मैंने अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं, उनके थ्रू अलग अलग टाइप के हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।